उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज अपने दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले हर की पौड़ी पहुंचकर गंगा में स्नान किया और मां गंगा में दुग्ध अभिषेक कर विधिवत मां गंगा की पूजा अर्चना की। तत्पश्चात हरीश रावत हरिद्वार स्थित विभिन्न अखाड़ों में पहुंचे, वहां पर मौजूद अखाड़े के साधु संतों से मुलाकात की और प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। इसी मौके पर उनकी पत्नी अनुपमा रावत और भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर कुंभ मेले की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपनी पीड़ा व्यक्त की और भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। वहीं हरीश रावत ने कुंभ मेले के सफल आयोजन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देते भी नजर आए। जो कुंभ हमारी आशा आकांक्षाओं और हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, राज्य और केंद्र सरकार ने उसकी बड़ी उपेक्षा की। जो अपेक्षा थी कि कुंभ के अंदर इसको एक भव्य और विस्तृत रूप दे करके आयोजित किया जाएगा और उसके लिए कुछ स्थायी प्रकृति के काम होंगे, लक्षर से लेकर के देवप्रयाग तक का क्षेत्र बड़ी अपेक्षा कर रहा था, तो इन्होंने खाली कुछ पटाल उखड़ाई, कहीं पर रंगाई पोताई आदि, जो खाली एक ठेकेदारी के कुछ जेब भराई के काम होते हैं उस तक सीमित कर दिया। तो यहाँ अर्ध कुंभ के बराबर भी स्थायी प्रकृति के काम नहीं हुए, तो मैं दुखी था। मैंने बहुत बार उस मामले को उठाया और आज मैं अपना दुख गंगा माई को जल दुग्ध दान करके उनको समर्पित कर गया हूँ। अब अखाड़े हमारी धर्म के संरक्षक हैं, हमारी आध्यात्म के संरक्षक हैं, उन पर जाकर के प्रणाम कर ले रहा हूँ और हमारा दायित्व तो अब हम केवल कुंभ की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं, क्योंकि बाकी इन्होंने स्वरूप और आदि को तो बिगाड़ ही दिया, अवधि घटा दी कुंभ की। देखिए मकर संक्रांति को बाहर कर दिया, इतनी बड़ी संक्रांति, तो कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं लगता है कि एक लंबी दृष्टि से योजना बनाई गई है, तो उससे मैं व्यथित था। देखिए हमने तो उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी, अब हमारी भावना वो जानते हैं। भाजपा वाले लोग मेरा खुद ही प्रचार करते रहते हैं कि हरीश रावत यूँ कहता रहता है, तो हम तो यूँ ही कहते रहते हैं। हम कह रहे हैं तुम कुछ करते रहो, हम तो यूँ ही कहते रहेंगे, क्योंकि हम विपक्षी दल हैं, तुम विपक्ष का आदर करना नहीं जानते हो, लेकिन कुछ तो ऐसा करो कि जिससे लोग तुम्हारे विषय में कुछ कहे। तो ये तो कुंभ में कुछ करने लायक बताने लायक तो कुछ हुआ ही। जब इनको लगा कि यार सब कुछ हो रहा है, यदि कुंभ ही नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, लोग लठ लेके मारने आएंगे, तो कुंभ तो कर रहे हैं, मगर उसके लिए जितनी व्यवस्था, आप जितना मुख्यमंत्री जी अब सक्रिय हो रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन देर कर दी जब खेती गई सुखाए। आप पहले से यदि ये सक्रियता 6 महीने 8 महीने 10 महीने से पहले से लगाते। इस दौरान अखाड़ों में मौजूद संतों ने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हमसे मुलाकात करने आए हैं और उन्होंने हमसे आशीर्वाद लिया है। मुलाकात के दौरान आगामी हरिद्वार कुंभ मेले के आयोजन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से कोई चर्चा नहीं हुई। वहीं सभी साधु संत इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा कुंभ मेले के सफल आयोजन के लिए किए जा रहे अथक प्रयासों का प्रोत्साहन करते नजर आए। कुंभ को लेकर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आए माई के दर्शन करने और यहाँ प्रयास ये रहता है कि यहाँ सभी आए माई का दर्शन करें और भगवत चर्चा करें, माई की चर्चा करें, आध्यात्मिक चर्चा करें। तो ये आए और इन्होंने आकर के माँ भगवती का पूजन किया। सबसे पहले माँ भगवती से आशीर्वाद लिया, फिर हमारे कक्ष में आए, हमसे आशीर्वाद लिया इन्होंने। बता दें कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा हरिद्वार दौरे पर रहे और गंगा में स्नान कर पूजा अर्चन के बाद अखाड़ों में पहुंचकर साधु संतों से प्रणाम कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान एक भी अखाड़े में पूर्व मुख्यमंत्री ने साधु संतों से कुंभ मेले को लेकर कोई चर्चा नहीं की। वहीं हरिद्वार के साधु संत कुंभ मेले की व्यवस्थाओं को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ करते नजर आए। पंजाब केसरी टीवी के लिए हरिद्वार से सतीश गुजराल की रिपोर्ट।